तर नमस्कार मंडळी, या गणपतीची सर्वीकडेच धूमधाम चालू आहे. आज गणपतीचा दुसरा दिवस आहे आणि त्यानिमित्तानेच आपण लोअर परळीतील हनुमान गल्लीचा राजा पाहायला आलेलो आहोत. तर आपल्यासोबत आहेत हनुमान गल्लीच्या राजाचे सेक्रेटरी आपल्यासोबत आहेत, तर त्यांच्याशी आपण थोड्या गप्पा करणार आहोत, संवाद साधणार आहोत. तर जाणून घेऊया हनुमान गल्लीचा राजा आणि हनुमान गल्लीचा काय संबंध आहे आणि गणपती हा कधीपासून त्यांनी बसवायला सुरू केलेला आहे. हा गणपती 1988 स्थापना आहे आणि तुमच्या बाजूला अंबत गल्लीत चालीतला बाजूला नवरात्र उत्सव होतो आणि शिवजयंती ते बाजूला होतो आणि हा कंपाऊंडमध्ये काही उत्सव होत नाही. आम्ही लहानपासून एक सर्व मुलांनी तय केला आहे की नाही आपण पण तुम्ही गणपतीचा उत्सव मानून गिंडू आहे आणि हा गणपतीचं खूपच प्रसिद्ध आहे. आता काय काय बोलले का उभी म्हणजे हे नाही हो रहा की उनका कुछ अलग ही है. और हम हर साल सोचते कि ये यहाँ पर कोई हम किसी के पास चंदा नहीं निकलते हमारे कंपाउंड के अलावा और किसी का हम लोग को किसी देनगी वहाँ के पास जाता नहीं. जो आया अपने किया लेकिन इनका ऐसा है कि वो अब दिख रहे सामने तो अलग ही ढंग से वो अपना उत्सव मना के लेते. हम तो कुछ नाम तो सिर्फ निमित्र है, हम सिर्फ काम करने वाले हैं. बस बप्पा ही सब करवा के लेते हैं जो उनको चाहिए. बस बाकी सब बच्चे लोग अपना है इधर मदद करने के लिए हर चीज़ के लिए. हमारे बच्चे लोग हमारा साथ में हमारा है. अभी उस जमाने के बच्चे लोग तो अभी कुछ शिफ्ट हो गए. अभी जो यंग जनरेशन है वो लोग काफ़ी अच्छा मदद कर रहे हैं. बाकी ये है कार्याध्यक्ष बहुत अच्छा मदद करता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और संतोष मदद करके भी हमारा देश मानूंगे. अभी दोनों अभी अवेलेबल नहीं है. एक है तो तर तुमच्या गणपतीप्रती काय भावना आहे? तुम्हाला गणेशोत्सव साजरा करताना कसं वाटतं, काय भावना असते? आम्हाला गणपतीउत्सव साजरा करायला आम्हाला भरपूर आनंद होतो. जेव्हा हा गणपती चालू झाला तेव्हा तर आमचा जन्म झालाच नव्हता, पण जेव्हा आम्ही 10 वर्षाचे झालो तेव्हा आम्हाला समजलं की हा गणपती उत्सव कसा साजरा करायचा. हे आम्हाला आमचे मुख्यतरी अधिकारी आलं त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हा तो आपण असं साजरा करायचा असतो, तयारी करायची असते. तरी आम्ही इथे चाळीमध्ये फक्त चाळीमध्येच वर्जन करतो. आम्ही बाहेर कोणाला देणगी देणगी अशी कोणाकडून देत नाही. ॲक्च्युली मी तो साऊथ इंडियन हूँ, तेलंगणा गोयल की मेरा महाराष्ट्र का जन्म है और मैं बचपन में और जगह पे देखते आया गणपति के बारे में करती. हर लोग इस उत्सव को एकदम ग्रैंड मनाते हैं और अपने चाल में कुछ नहीं है, क्यों ना अपना चाल में ये उस उत्सव को ग्रैंड बनाने की कोशिश करेगा. हम लोग बचपन में बच्चे लोग सब मेहनत करके सुधा से मूर्ति लेके आज 7-8 फुट का मूर्ति हम लोग यहाँ पर घटाने लगे और उसका महिमा ही कुछ अलग है. अभी क्या बताएं उनका, इधर कोई ये नहीं है, सिर्फ इंसान है और भगवान है और कोई इधर महाराष्ट्र है या साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ये ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ अपने जिधर जन्म मेरे जन्मस्थान इधर ही है. आज मैं 52-53 एज है तो यहाँ से ही हम यही चाल से ये बड़ा हो गया और अपने गणपति बप्पा हम लोग यहाँ तक लेके भी आया और ग्रैंड सक्सेस है. हम लोग आज जो भी है हम लोग ग्रैंड सक्सेस कुछ नहीं था और बहुत कुछ है. तो अभी कोरोनाचे 2 वर्ष होते त्यामध्ये भरपूर नियम होते, त्या नियमांचं पालन करून तुम्ही गणेशोत्सव साजरा केलेला आणि केलात तर तुम्हाला नागरिकांचा इथल्या रहिवाशांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद होता? नहीं, 2 साल तो काफी तकलीफ हुआ उस गणपती को हमने नहीं बिठाने जैसा मतलब हुआ. तभी हमने छोटा मूर्ति लाके अपना साई बाबा मंदिर में बिठाया. उसके बाद में सेकेंड ईयर भी हम लोग ने इस मूर्ति का साइज जैसे गवर्नमेंट के मूर्ति सब 4 फुट का सब बड़ा नहीं बनाता वो भी हम लोग ने उसको कंटिन्यू भी किया था ताकि वो उस प्रतिष्ठा को अपन ये नहीं करना चाहिए. कंटिन्यू उसको हम लोग फॉलोअप किया और गवर्नमेंट के अनुसार हम लोग जैसा रूल और रेगुलेशन सब चलते आया उसको कंटिन्यू किया. और आज ऐसा लगता है इस साल करने के बाद हम 4 साल पहले जो उत्सव मनाते थे या 5 साल पहले उत्सव मनाते ग्रैंड वो आज हमको चीज़ का करोना का हमको एहसास नहीं हो रहा है कि करोना कोई था. इस साल वो हमको उस चीज़ का अच्छा आनंद. तर बघितलं मंडळी कसं गणेशोत्सवाची धमाल चालू आहे. ओंकार प्रकाश पण जी साऊथ न्यूज चेहरा मुंबईचा.